परछाइयों के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम सुनते हैं एक किस्सा, किस्सा एक दरवाजे का। तो आइए सुनते हैं किस्सा एक दरवाजे का। यह बात है जब मैं बहुत छोटा था। हम तीन चार भाई बहन थे। हमारा छोटा सा घर था जिसमें दो कमरे थे। आगे एक कमरा, पीछे एक कमरा। ये कहे दो कमरों का एक फ्लैट था। पहले फ्लैट वाली व्यवस्था तो नहीं होती थी, ये टूटा फूटा हमारा घर था। उस घर पर ही मुख्य दरवाजा था, वो भी दो लकड़ियों को जोड़कर बनाया हुआ था। उसमें कई तरह के छेद थे। हमारे कोई लॉबी नहीं हुआ करती थी। मुख्य दरवाजा खुलते ही ड्राइंग रूम जैसा रूम हुआ करता था। उसे ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, लिविंग रूम भी कह सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, स्टोर रूम भी कह सकते हैं। वो दरवाजा खुला रहता था। हम भाई बहन उस दरवाजे के आसपास खेलते रहते थे। बाहर से आने वाले लोगों को, आते जाते लोगों को देखते रहते थे। सवेरे सवेरे जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो दरवाजे को बंद कर देती थी। कारण ये था कि मेरी छोटी बहन उस दरवाजे, बहुत ही छोटी थी, तो उस दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर की तरफ झांकती रहती थी और झांकते झांकते वो नीचे गिर जाती थी। हम भी बहुत छोटे थे, गिरी हुई बहन को देखकर हम भी रोने लग जाते। तो पास के अंकल आते, बहन को नीचे से उठाकर अंदर माँ को दे देते। तो माँ ने दो तीन बार ऐसा होता हुआ देखा तो खाना बनाते वक्त वो दरवाजा बंद कर देती। लेकिन हम तो बच्चे थे। दरवाजा बंद होने के बाद दरवाजे में अनगिनत छेद थे। उन छेदों से सूर्य की रोशनी आती थी, सूर्य की किरणें आती थी। उन किरणों में, हवा में उड़ने वाले बहने वाले कीटाणु हमें दिखते थे। बहुत सारे कीटाणु दिखते थे। हम इसमें भी खेल कर लेते थे। छोटे वाला कांच के गिलास में पानी लाता और उस गिलास को हम उस सूर्य की किरणों के आगे रखते तो उसमें से बहुत सारे कीटाणु हमें दिखते और हमारे लिए खेल होता था। उसके बाद एक बार सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण में क्या होता था कि पापा तो ऑफिस चले जाते थे, माँ सूर्य ग्रहण के दौरान माला फेरती या धार्मिक किताबें पढ़ती। हमें बाहर जाने की मनाही होती थी। हमारे घर का दरवाजा जब तक सूर्य ग्रहण रहता बंद रहता। हमारा बड़ा भाई, वो हमसे ज्यादा थोड़ा उद्यमी था, तो वो तो सूर्य ग्रहण देखने की कोई भी व्यवस्था कर लेता, कहीं चला जाता। हम तीन भाई बहन अंदर बंद होके बैठे रहे। हमारे लिए वही खेल था दरवाजा। दरवाजे से सूर्य की किरणें आती थी। तो छोटे वाला सफेद कागज ले आता, हम उस किरणों के सामने उस सफेद कागज को रखते तो सूर्य ग्रहण में काला हुआ सूर्य उस कागज पर दिखता था और हम उसे देखकर रोमांचित होते थे कि हम सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। और माँ को भी बुला के बताया, देखो माँ सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता हुआ देखते और उतरता हुआ भी उस कागज पर हम देखते। हमारे लिए एक खेल था। जब कभी बारिश होती है और हवा का रूप हमारे घर की तरफ होता तो पानी सीधा हमारे घर में कमरे में आता था। तो इसे बचने के लिए मेरी माँ दरवाजे को बंद कर देती और हमें बारिश में नहाने की मनाही होती थी, क्योंकि माँ कहती थी बारिश में नहाने से सर्दी जुकाम लग जाता है। तो हम घर के अंदर ही रहते थे बारिश के द्वारा। लेकिन हमारे लिए दरवाजा फिर भी खेलता। दरवाजे में अनगिनत छेद थे
और अनगिनत छेदों में से बारिश की बूंदे, बारिश के छींटे आते, हम अपना चेहरा उन छींटों पर करते, हम उस छेद के आगे करते, दरवाजे के आगे करते, तो हमारे चेहरे पर कुछ छींटे गिरते, फिर बहन करती उसके आगे अपना मुंह, तो उसके मुंह पर छींटे गिरते, फिर हम एक दूसरे को देखकर राजी होते, खुश होते, हमें ऐसा लगता हमने बारिश में नहा लिया, हमें मास्क से कोई शिकायत नहीं होती। हमारे लिए दरवाजा भी हमारा साथी हो जाता था और हम उसे अपना खेल बना लेते थे, और बारिश की छींटे हमारे ऊपर लगती, हमारे कपड़ों पर लगती, हम उसे देखकर खुश होते कि हम बारिश में नहा लिए। दोपहर में हम चारों भाई बहन घर में अकेले होते थे, माँ अपने गुरु जी के पास कथा सुनने के लिए जाती, पापा ऑफिस जाते, हम तीनों। उस समय कभी कभार हमारी घर की मालकिन आती, हमारा घर किराए का घर था, मालकिन बूढ़ी थी, हम उसे दादी जी कहते थे, वो आके बैठ जाती, तो हम ये सोचते थे कब ये यहाँ से जावे, इसके तरह तरह के जतन करते। एक बार दोपहर को मकान मालकिन सामने आती हुई दिखाई दी, तो मैंने जैसे कहा था मेरा बड़ा भाई ज्यादा उद्यमी था, हमारा जो दरवाजा था वो चूड़ी वाला दरवाजा था, तो भाई ने क्या किया, उस चूड़ी के एक दरवाजे को निकाल कर आधा कर दिया। मकान मालकिन आई, हमारे घर तक आई, दरवाजे को टेढ़ा होया हुआ देखा, फिर ऊपर की तरह हम भाई बहनों को देखा और पूछा घर में कोई नहीं है क्या, तो हमने जवाब दे दिया कि कोई नहीं है। फिर उसने दरवाजे को देखा और वो धीरे धीरे अपनी लकड़ी लिए हुए चली गई। भाई ने वापस दरवाजे को वापस चूड़ी में डाल कर लगा दिया, फिर हम खेलने लगे। शाम को हम क्या देखते हैं कि पापा जी खड़े हैं और एक कारीगर दरवाजा लगा रहा है। मैंने पापा जी से पूछा क्या हो रहा है, पापा ने कहा मालकिन हमारे लिए नया दरवाजा लगा रही है। मैंने अपने पुराने दरवाजे को नीचे पड़े हुए देखा, काम बहुत लंबा था, रात को हम इंतजार करते करते सो गए, नींद आ गई। सुबह उठते ही पहले हम उसी कमरे में गए जहां नया दरवाजा लगा था, हमारा मुख्य दरवाजा था, हमने देखा दरवाजा बंद है, नया दरवाजा है लेकिन बिल्कुल अंधेरा, अब दरवाजों में कोई छेद नहीं था, हमारे लिए अब खेल नहीं था। हम लोग गए ऊपर छत पर, देखा पुराना वाला दरवाजा पड़ा है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, अब पूरा ही वो सूर्य में सूरज की किरणों में डूबा हुआ है, सूरज पूरी तरह उस पर बिछा हुआ है। हमने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर दौड़कर नए दरवाजे के सामने गए, दरवाजा बंद था, बिल्कुल कमरे में अंधेरा था। ये था किस्सा एक दरवाजे का।